वगैरह हमने रख लिया है गाड़ी में। अभी हमने निकलना है लिपा की तरफ, तो अपनी ट्रैवलिंग अभी हम शुरू करने लगे हैं। मिनसा इधर आओ, तो ये मिनसा काबू नहीं आती। इधर आओ, किधर जा रहे हो? आओ गाड़ी में जाएंगे। चलो ना जी, आपने बहुत अच्छा हमें सब किया इधर, तो ठीक है फिर, इंशाल्लाह चक्कर लगेगा कभी। शुक्रिया बहुत। सुबह जल्दी उठी थी और उसके बाद फिर इसने खेलना स्टार्ट किया इधर उधर भागी, और फिर यह हाल है। अच्छा तो अभी थोड़ा सा आगे हम चले। वैसे इस रोड पे जो टर्न्स वगैरह हैं ये बहुत शार्प हैं, अगर आप इधर आते हैं तो इंतहाई कहने का मतलब ये कि ड्राइव करते हुए आप फोन बिल्कुल यूज नहीं कर सकते वीडियो वगैरह के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे आए हैं तो हमें इधर हमें अरसलान का एक दोस्त मिल गया है। ओ भाग गया। चलो फाइनली हम लिपा वैली नकोट, इस जगह का नाम है, इधर हम पहुंच गए। वो मेरे दोस्त का घर है राजा हमाद, तो स्टे हमने इधर ही करना है इसके घर ही। तो अभी हम इधर पहुंच गए, अभी हम अंदर नहीं गए, अभी देखते हैं अंदर कोई है भी कि नहीं है। अच्छा जी, तो ये सामने क्या कहते हैं कि LOC है, ये सामने ऊपर जो एरिया नज़र आ रही है इंडियन आर्मी के पास है, और यहाँ पे जो ये चौकी नज़र आ रही है ये हमारी पाक आर्मी है। इधर क्यानी पोस्ट है, क्यानी पोस्ट। और अभी हम जिधर रुके हुए हैं उधर से ये व्यू है। अच्छा जी, अभी हम ज़रा ऊपर चढ़ के आए थे, हमने कहा थोड़ी मिल्की वे की पिक्चर्स बनाएं, हल्की फुल्की कुछ पिक्चर्स बनी भी हैं, वो भी साथ शेयर होगी। अभी लाइट ऑन कर दो, लाइट ऑन कर दो। हाँ जी भाई, कैसा रहा एडवेंचर? देखना यार कोई शेर वेर ना आ जाए। शेर नहीं आता, बस रास्ता, शेर का मसला नहीं, जो इसने नीचे गया ना। अच्छा जी, तो अस्सलामु अलैकुम, आज का एक और दिन हमारा लिपा में। तो अभी ये हमें लोबिया की दाल नज़र आई इधर, ये जो लोबिया की दाल है ये मेड इन लिपा है, ये जो है इधर ही तैयार की जाती है। अभी हमारा प्रोग्राम है, कोई आगे पीछे कहीं देखें, कुछ एक्सप्लोर करें, तो अभी हम चलेंगे आगे पीछे कहीं, देखते हैं क्या कुछ हमें मिलता है इधर। चलें, चलते हैं, अब देखते हैं फिर।
हमारी आर्मी है कहीं पे वो नजर नहीं आती। अच्छा तो लीपा को एक्सप्लोर करते हुए हमें पता चला कि इधर एक जगह है जहाँ पे चावलों को तैयार किया जाता है, मतलब जो चावल यहाँ पर रुकता है उसको यहाँ पे तैयार किया जाता है और इसको पेकू कहते हैं। क्या कहते हैं? पेकू। पेकू, आए देखते हैं पेकू क्या है। ये दरिया कौन सा, ये। क्या नाम बताया? काजी नाग। दरिया काजी नाग है जी ये। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं मंडा कुल्ली बेला बेला की तरफ हैं। ये रोड जाती है आगे सीधी सीधी, ये ऊपर जो जा रही है रोड, ये हाँ जी यहाँ से ऊपर जाना है हमने। वैसे यहाँ पे जाती तो जीपें, हम तो कुछ और ही पंगे ले रहे हैं इधर। चलें देखते हैं, अगर पहुँच गए तो पहुँच गए, ना पहुँचे तो बोलेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बड़ी कोशिशों के बाद हम कुछ करीब पहुंच ही गए थे, ये एंड पे थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब था। मैंने कहा गाड़ी इधर ही खड़ी कर देते हैं, तो यहाँ से हम पैदल बिल्कुल मतलब 2 मिनट लगेंगे। पर ये कि हमने जो पंगा लिया था वो काम कर गया। आए ऊपर चलते हैं, अब देखते हैं। जी ये मंडा कुली बेला, पता नहीं नाम सही लिया मैंने कि नहीं लिया। बहरहाल उधर हम पहुँच गए, ऊपर कह रहे हैं बस मैदान ही है, एक मैदान है और दरख्त हैं, जंगल है बस। तो चलें यही देखते हैं। अच्छा जी, टूरिस्ट के लिए तो वैसे ये लास्ट स्टेशन है। इधर से आगे जो है 12,000 ही एक जगह है, लेकिन उधर ज़्यादातर जिनका काम होता है, जैसे फॉरेस्ट वाले हो गए, दूसरे तीसरे आर्मी वाले, उधर ज़्यादातर उन्हीं का आना जाना होता है। तो हमारा जो है इसी जगह पे सिस्टम। अच्छा जी, इधर जंगलात वालों की तरफ से टूरिस्ट वगैरह के लिए अंगीठियाँ वगैरह लगाई हुई हैं बारबेक्यू के लिए, लगी लगाई इधर खीर, बनी बनाई खीर है इधर, पक्की पकाई खीर, लगी लगाई खीर है, मतलब लगी लगाई अंगीठी है। अरे कहना क्या चाहते हो? आप बारबेक्यू कर सकते हैं। हाँ, ये कौन सा खेल खेल रहे हो? ये है जूते मारने वाला खेल। अरे शर्माते क्यों यार, बताओ ना। अच्छा जी, बच्चे कोई खेल खेल रहे हैं, बूटों से एक दूसरे को मार रहे हैं, ये कोई बड़ा अच्छा खेल है इनका। ये है जी वो अंगीठी, बीच में कुछ कोयले भी हैं। इधर हम बारबेक्यू कर सकते थे लेकिन हमारे पास
कुछ है नहीं बारबेक्यू करने के लिए। तो मंडा गुली बेला से हमारी वापसी हुई, इधर थोड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट था एक, हमने कहा थोड़ा नीचे उतर के हमने सोचा कि हम एक्सप्लोर करते हैं, और वाकई में ये बहुत खूबसूरत जगह है। जो हम कैप्चर कर रहे हैं उसमें तो इतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये व्यू, ये आप देख सकते हैं। चलें अब हम नीचे जाके थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आज हमने जो विज़िट करना था, जो एक्सप्लोर करना था, वो हम कर चुके। अब हम मुड़ के आ गए हैं वापस जहां हमने स्टे रखा हुआ है, और अब हम देखेंगे कोई खाना पीना करेंगे अपना इधर, और इंशाल्लाह कल हमारी सुबह वापसी होगी। आज देखते हैं, शाम को शायद हम कोई बारबेक्यू वगैरह भी करें। बहरहाल आज की शाम इधर हमारी आखिरी शाम है, फिर हम कल सुबह इंशाल्लाह सुबह अपने होम टाउन मुजफ्फराबाद की तरफ निकलेंगे। तो चलें।